वाटिका दिखाते हैं आपको अंदर से। अंदर जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये किला है पूरा। और ये कहा जाता है एक वृक्ष वाटिका है, अक्ष वाटिका, जहाँ राम और सीता लक्ष्मण जी भी आए थे। तो चलिए आइए उनको भी देखते हैं। और यहाँ पर पाताल देवी मंदिर भी बनवाया गया है जो जमीन के अंदर है, धरती के नीचे। इसकी कई सारी गुफाएं हैं जो अंदर से निकलती हैं, किले के अंदर से दिल्ली तक गई हैं और कई लोग गंगा घाट तक भी गई हैं। ये पाताल देवी मंदिर है, सामने देख सकते हैं इसके नीचे। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे अक्ष वाटिका है। ये कहा जाता है ये राम और सीता लक्ष्मण जी भी यहाँ पर आए थे। इसकी हिस्ट्री बहुत प्यारी है, जो यहाँ का अकबर के किला के राजा थे अकबर, उन्होंने इसको जलाने की कोशिश भी की थी। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वाटिका है, इसके बारे में हिस्ट्री में पंडित जी हमें बताएंगे। इसकी पुरानी जो कथाएं थी, जो इसकी मान्यता थी, और अकबर ने इसको क्यों जलाया था, इसके बारे में हिस्ट्री में के बारे में हमारे को पंडित जी बताएंगे। इसी पेड़ के नीचे भगवान राम लक्ष्मण सीता आए, मुन 3 रात्रि विश्राम किए, पूजन किए, चित्रकूट हो गए। अच्छा और इसी पेड़ के नीचे भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का त्रेता युग में पहला पिंड इसी स्थान पे किए, दूसरा काशी, तीसरा गया। अच्छा ये 4 युग का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा है सरस्वती कूप, अच्छा नीचे जाएंगे सरस्वती कूप है, अच्छा वो कूप पटवा दिया गया। इस अच्छा वृक्ष से अकबर के समय लोग इसी पेड़ से कूद करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना प्राण त्यागते थे। अच्छा नीचे जाएंगे तो लाल रंग की लकीर है, लकीर के अंदर गोलाई से लकीर है, वो कूप था। उसको अकबर, ये प्रस्ताव अकबर को अच्छी नहीं लगी, उसने इसको पटवा दिया, अच्छा जला दिया था, मतलब कटवा दिया था। पटवा दिया। अच्छा बंद करवा दिया था। हाँ, बंद करा। अच्छा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 9 देवियां सभी इस वृक्ष में विद्यमान। अच्छा सो फ्रेंड, आपको अक्ष वाटिका का इतिहास कैसा लगा जान के? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।